तो इस एपिसोड की शुरुआत अपने बुड्ढे से, जो कि इसने 2000 में बॉक्स यहाँ पे बाइक किया था ना, गुलाम भी बॉक्स, उस बॉक्स को अभी भी यहाँ पे देखता है और कहता है कि यहाँ भी ये बॉक्स है, 2000 में बाइक किया यह, लेकिन ओपन होने का नाम ही नहीं लेता। यहाँ तक कि भाई मैंने अपने शॉर्ट का भी हमला कर दिया था, वह शॉर्ट से इस पर क्रैक आया था, लेकिन क्रैक भी आराम से यहाँ पे रिपेयर यहाँ पर हो गया। मैं क्या करूँ भाई, अपने चौथे डिसाइपल को दे दूँ, शायद वो कैसे भी ओपन करवा दे। ना ना भाई, बक्सा मेरा यहाँ पर है, मैंने 2000 का बाइक किया है, उसको ऐसे कैसे यहाँ पे दे दूँगा, बाद में ओपन होगा और बाद में मैं ही ओपन यहाँ पे कर लूँगा। और अभी के लिए मेरे पास ना 4600 पॉइंट यहाँ पे बचा हुआ है, और अगला अवतार लेने के लिए मुझे 12000 पॉइंट की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। यार पॉइंट कमाना भी आजकल बड़ा मुश्किल हो गया है। एक काम करता हूँ, हैवर राइटिंग यहाँ पे रीड करता हूँ, तो हैवर राइटिंग यहाँ पे रीड करने लग जाता है और 3 घंटे का टाइम गुजर जाता है। तो बाहर साढ़े यहाँ पर आती है भैया अपनी यूनार, और कहती मास्टर वो जो बेशम लड़का ना जियांग, उसने लेटर यहाँ पे भेज के रिप्लाई दिया। ये भी कहता बोलो भाई उसने लेटर में क्या भेजा है। और मनी मन हैवर राइटिंग के बारे में सोचते कि हैवर राइटिंग यार मानना पड़ेगा टेक नहीं, बड़ा कमाल का, समझ कुछ भी नहीं आ रहा, सब दिमाग के पर मेरा यहाँ पे हो रहा है। लेकिन जैसे सही टाइम यहाँ पर आएगा ना, ऑटोमेटिक अपना असर यहाँ पे दिखा देगा। और दूसरी ओर जो यूनार है ना, यूनार बता दे कि यहाँ पे लेटर में उसे जियांग ने ये लिखा है कि उसको आने से डर लग रहा है, उसको सॉर्ड यहाँ पे चाहिए। लेकिन आपका सेट है भाई, आपका सेट यहाँ पे खतरनाक है, कोने कोने में डेंजर होगा, मैं आना नहीं चाहता। एक काम कीजिए, अब सॉर्ड मेरे पास यहाँ पे पहुँचा दीजिए। जो सुंदर बुड्ढा कहता है कि वेल यार मुझे लगा ही था शायद वो ऐसा ही करेगा। यूनार कहती है बेशरम लड़का यहाँ पर है भाई, हमें एहसान करे तो भी एहसान का बदला उसको चाहिए नहीं। बोलिए यार आप ऑर्डर दीजिए, मैं जाऊँगी उसको जबरदस्ती यहाँ पर लेकर आ जाऊंगी। तो अपना बुढ़ा मना कर देता कि नहीं तुमको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्या ना उसको अपनी जिंदगी से बहुत ही प्यार यहाँ पर है, तो ऑफ कोर्स भाई वो मरना नहीं चाहता, इसके लिए यहाँ पे नहीं आएगा। ये भी कहती है कुछ ज्यादा ही अपने बारे में हाईली सोचता है, इतना वो हाईली है भी नहीं। जो सुनता अपना बुढ़ा कहता है कि ऐसा मत बोलो यार, क्योंकि वो कोई ऑर्डिनरी लड़का नहीं है। ये कहती है ऑर्डिनरी यहाँ पे नहीं है, स्पेशल है क्या? ये कहता है ऑफकोर्स स्पेशल यहाँ पे, तुम ही सोचो भाई, जो इंपीरियल फैमिली यानी जो पैलेस के डॉक्यूमेंट है ना, वो डॉक्यूमेंट से इंफॉर्मेशन यहाँ पे निकाल लेता है, कोई मामूली बंदा निकाल नहीं सकता। हाँ तो सोचो भाई कितना स्पेशल होगा। ये कहते हैं लेकिन कैसा, कितना स्पेशल क्या होगा? ये कहता कितना क्या है तुमको बाद में मालूम चलेगा, अभी तुम जान के क्या करोगी। उसके बाद ना चेंज होता है दो लड़कियों पे, जो कि गार्ड का काम यहाँ पे कर रही है जेल का, हमारा मेकअप आ गया था। वो दोनों कहते नमस्कार लीडर, ये कहते हटो मुझे अंदर जाने का रास्ता दो। वो दोनों कहते ओके ठीक है। उस जेल के अंदर फैन शो को यहाँ पे बंद करके रखा गया था और बहुत ही टॉर्चर किया गया था। तो सामने से कहता भी फैन शो की बस इतने ही दम यहाँ पर फटके चलो गई, करो करो और टॉर्चर करो, जितना टॉर्चर करना कर लो, लेकिन तो भी मैं सच्चाई बताने वाला नहीं हूं। हमारा बुड्ढा कहता है कि भाई सच्चाई मुझे मालूम चल गया, अब तुझे बताने की जरूरत नहीं है। वो जाता चौक और कहता इम्पॉसिबल, ये कहता है नॉट इम्पॉसिबल, अभी मुझे सच्चाई मालूम चल गया। और जो जनरल यहाँ पे था ना, उस जनरल का नाम बता देता है जिसके साथ मिलकर इसने भाई ड्रैगन विलेज डिस्ट्रॉय किया था। तो ये भी कहता है वाह यार बुड्ढे माना पड़ेगा यार, तूने तो सच्ची में इंफॉर्मेशन पता लगा लिया। हमारा बुड्ढा कहता हाँ लेकिन यार ये जो जनरल है ना, खाली इसने तुझे नहीं बोला होगा कि यहाँ भी जाके काम करो, और तो काम करने को यहाँ पे तैयार हो गया होगा। मुझे तो नहीं लगता सेकेंड प्रिंस जो कि मेन यहाँ पे भाई जो मेन मास्टर माइंड है, उसने भी शायद नहीं बोला होगा, नहीं बोला उसने भी होगा, लेकिन मेरे ख्याल से तू भाई ब्लैक नाइट का ग्रेट ट्रेडर था, टाइम को इतना कमाल का बंदा था, तो उसकी बात मान लेगा इतना आसानी से। यानी मेन कोई और बंदा है जिसके बोलने पे तूने पूरा कांड किया, ये और शौक जाता है। एक सेकंड यार, सेकंड पीस के बारे में भी तुझे आइडिया लग गया, मगर कैसे? जो सुनते सामने से ये कहता हमारा बुड्ढा कि भाई तुझे क्या लगता है, तू हमारी नज़र में ना बस एक जेलर यहाँ पर है जिसको हमने बंद करके यहाँ पे रखा है, तुझे हम सच्चाई बताएंगे नहीं। हाँ तो बता भाई मेन बंदा कौन है जिसे कहने पे ना तू तैयार हुआ था, सेकंड प्रिंस के कहने पे तो तू बिल्कुल भी तैयार नहीं हुआ। आई नो, ये कहता आई डोंट नो, मुझे मालूम ही नहीं है। बुड्ढा कहता तुझे सब यहाँ पे मालूम है, तू बस बताना नहीं चाहता, तुझे सच्ची में लगता है अगर तू यहाँ पे नहीं बताया हाँ तो हमको आइडिया नहीं लगेगा। हमको आइडिया लग चुका है काफ़ी हद तक, एक लड़की यहाँ पर है ना, ये चौक तक यहाँ सामने से ये भी कहता सेकंड प्रिंस का कोई बहुत ही क्लोज यहाँ पर होगा जिसके ऊपर सेकंड प्रिंस बड़ा भरोसा करता है, एक ऐसी लड़की जो कि बीच कैप टेक्निक में ना माहिर यहाँ पर हो। जो सुनते ना फैन शो वो भी जैसा हिल जाता है और जो से चलाता बंद करो बंद करो बंद करो, शांत हो जाओ और कुछ मत बोलो, इनफ इनफ इनफ। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी सोचता है यार अपने टाइम का लिस्ट के नंबर वन का बंदा ब्लैक नाइट, इतने बड़े होगा नेशन का लीडर, ये सारा कांड ना एक लड़की के लिए यहाँ पे कर रहा है, वाह। सामने से कहता बता दे भाई वो लड़की कौन है। फैन शो जो से चलाता नहीं बताऊंगा नहीं बताऊंगा नहीं बताऊंगा नहीं बताऊंगा, मर जाऊंगा लेकिन तो भी यहाँ पे नहीं बताऊंगा। तो हमारा मेकअप अभी सोचता है कि इसको बार बार ऐसा टॉर्चर करके पूछना भी कोई है नहीं, लगभग मुझे आइडिया लग चुका है कि वो लड़की कौन यहाँ पे हो सकती है। बस मुझे एक बात समझ नहीं आ रहा, क्यों ये जो फैन शो है ना, क्यों ये पूरा भाई ऐसा मरने को भी तैयार है लेकिन सच्चाई यहाँ पे बताना नहीं चाहता, कुछ ना कुछ तो बात यहाँ पर होगी ना। तभी पीछे से एक और लड़की आती है, वो गार्ड आती है और कहती सुनिए यार वो जो पांचवी डिसाइपल है ना उनको कुछ हो गया है। तो हमारा मेकअप अभी कहता है शिट भाई नसीबी खराब है, वही टेंशन में जल्दी से चलो भाई पांचवी यहाँ पे पकड़ा
आ गई है, अजीब अजीब सी हरकतें की जा रही है। ये कहता है शांत हो जाओ, पैनिक मत हो भाई, सबको ठीक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है उसी गुफा के बाद, जिस गुफा के अंदर है ना पांचवी सैपल यहाँ पे थी, जहाँ पे जो नया नया एल्डर बना था ना भाई, यही अपना हुआ वेंडाओ वो भी यहीं पे था। और कहता हूँ माई गॉड, दुनिया में बहुत ही कमाल कमाल की इविल टेक्निक आती है, मुझे लगा उनमें से कोई एक होगा, वीच क्राफ्ट टेक्निक यहाँ पर होगा, ये मुझे लगा नहीं था। सामने से लोग कहते हैं एल्डर वेंट हुआ यार, अभी बड़े कमाल का यार, कुछ कर सकते हो क्या? ये कहता यार कमाल का हूँ लेकिन उतना भी कमाल का नहीं है, शायद जो अपना बुढ़ा है ना वही कुछ कर सकता है और कुछ भी नहीं। तो अपने बुढ़ा था सब लोग नमस्कार कहते कि नमस्कार जी नमस्कार जी नमस्कार जी नमस्कार जी, प्लीज़ जल्दी सही है, हमने ना एक शील्ड बना दिया है और पांचवी को उसके अंदर यहाँ पे बंद कर दिया ताकि ना खुद को नुकसान पहुँचा सके ना किसी और को नुकसान पहुँचा सके। लेकिन आने में हल्का सा लेट हो गया उसने, जब तक ना अपने आप को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा लिया। अब सब यहाँ पे देख सकते हो, चौथा भी समझा था कि हाँ वो जो वीच क्राफ्ट है ना जो उसके ऊपर सील लगा है वो सील उसको कंट्रोल यहाँ पे करे, जिस चक्कर में एकदम पगला गई है, सबको सबको भी नुकसान पहुँचा रही है और अपने आप को भी नुकसान पहुँचा रही है, ऐसे चलता रहा बेचारी मल भी सकती है। अपना तीसरा भी कहता है नो भाई, पांचवी ने क्राइम यहाँ पे किया था, उस सजा की हकदार यहाँ पर है, लेकिन ये जो सजा मिलेगी ना जान से मरने वाली वो कुछ ज़्यादा बड़ी सजा हो जाएगी और ऐसी सजा उसको मिलनी नहीं चाहिए, प्लीज़ बचा लीजिए। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है इसमें देखा जाए तो इसकी गलती, अगर हमारे सेड को छोड़ के जाती नहीं ना हाँ तो इसका हालत कभी भी ऐसा यहाँ पे नहीं होता। फिर पांचों डिसेबल जोर से चिल्लाती भाई नहीं बचेगा तू, मैं तुझे जहाँ से यहाँ पे मार डालूंगी, और फिर इससे क्रेजी हो जाती है। अपना चौथा यहाँ पे शांत करता है, समझाता मास्टर से, मास्टर ये जो कुछ है ना ये खुद से यहाँ पे नहीं बोल रही हो, जो वीच क्राफ्ट ना स्पेल उसका असर यहाँ पे हो रहा है, जी चक्कर में कंट्रोल से बाहर यहाँ पर ये जा चुकी है कम्प्लीटली। मैंने जोंग से यहाँ पे पूछा कि बताओ यार कोई तरीका है क्या भाई तुझे स्पेल के बारे में बहुत ही आइडिया है ना, ये कहता जिसने इसके ऊपर ये स्पेल यहाँ पे लगाया ना का बोला वही हटा सकता है, लेकिन भाई आपने मेरे ऊपर से हटा दिया था तो शायद आप इसके ऊपर कभी हटा पाओगे, प्लीज यहाँ पे कोशिश करो। तो ये कहता पहले ये बताओ ये जोंग कहाँ पर है, तो मालूम चलता जोंग जो साउथर्न पेविलियन है ना, साउथर्न पेविलियन में कुछ किताबें वगैरह को ऐसा चेक कर रहा है। सामने सुबह विंडो बताता कि यस इसने एग्जैक्टली यहाँ पे ठीक बोला, अभी के लिए जो विच क्राफ्ट का असर इतना ज़्यादा हो चुका है ना जी चक्कर में इसके बॉडी कम्प्लीटली उससे कंट्रोल के अंदर में यहाँ पे जा चुका है। ये तो भाई अच्छी बात है कि लड़की स्ट्रॉन्ग यहाँ पर, इसका कल्टिवेशन ज़्यादा हाई यहाँ पर है, और ना इसके बदले कोई और यहाँ पर होती ना उसकी तो मौत यहाँ पे कब की हो जाती है। और देख सकते भाई इस लड़की की हालत यानी पांचवी सैपल की हालत ऐसी यहाँ पर हो गई है। तो हमारा जो मेक कटर है ना उसके सामने जाता है और अभी के लिए जाने के बाद ना अपना जो प्राइमर की वाई है ना वो यूज़ करता है, और अपना प्राइमर की वाई उसके बॉडी में है, प्राइमर की वही एनर्जी है जिससे भाई सामान का के अंदर सारे बंदे कल्टीवेशन अपना करते हैं, ये एनर्जी नहीं है तुम कल्टीवेशन यहाँ पे नहीं कर पाओगे। करते करते मनी मन सोचता है कि यहाँ भी इसकी बॉडी का जितना भी इसका प्राइमर एनर्जी है ना वो विच क्राफ्ट के कंट्रोल के अंदर में यहाँ पे जा चुका है, तो अपना डाल करें ना वो जो पहले से कंट्रोल के अंदर गया है उसको शांत करना चाहता हूँ ताकि भाई मेरा नया जाएगा हाँ जो इससे कंट्रोल के अंदर में यहाँ पे रहे और शायद होश में आ जाए। मैंने ऐसा ना भाई वो 14 डिसेंबर के साथ ही किया था, लेकिन 14 डिसेंबर पे नया नया कंट्रोल यहाँ पे लगा था, जिस चक्कर में वो हो गया था इसका काफ़ी टाइम हो गया है तो शायद नहीं हो पाएगा, तो मतलब टाइम लग सकता है या फिर शायद ना भी हो, ऐसा कर ही रहा था उतने में नोटिस करता है जो वीच क्राफ्ट का है ना सर उसका पावर वो बाहर आ चुका है जो कि हमारे मेक कैरेक्टर का ना प्राइमर क्यों आई यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा है। अब सामने से पांचवी कहती बुढ़े तेरी तलाश यहाँ पे थी तो फाइनली यहाँ पे मिल गया। सामने से हुआ विंडो भी नोटिस करते हैं शीट भाई ये तो इसके अंदर वीच क्राफ्ट का पावर आकर बुढ़े का पावर यहाँ पे चूसे जा रहा है। सामने से अपना बुढ़ा वो टेक्निक यूज करता है हैमर राइटिंग का और जो ऐसा झटका देता है अटैक देता है जिससे भाई लगता है पांचवी को, पांचवी दूर ऐसा जाके गिरने वाली थी, चौथा के बचा लेता है और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।